ओम शांति। आज 30 मार्च 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली है कि ये नॉलेज पढ़ाई क्या क्या करती है। बाबा कहे यह पढ़ाई ये नॉलेज किसी को प्राण दान देती है, जीवन दान दे देती है। कई बार देखा गया है कि कई लोग जीवन का अंत करने की सोचते हैं, निकलते हैं और सामने अचानक उनकी दृष्टि बाबा के लाइट पर पड़ती है, बोर्ड पर पड़ती है और अनायास ही वहां चले जाते हैं और फिर उनके मन के अंदर की सारी जो कटुता है वो मिट जाती है और जीवन का अंत करने का जो सोचा होता है वो भी कैंसल कर देते हैं और उनके जीवन में एक महान परिवर्तन आता है, उनके रिश्तों में परिवर्तन आता है। तो नॉलेज मनुष्य को जीवन दान देती है। साथ ही साथ बाबा कहे नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जितना ज्ञान दान करते जाते हैं उतना ही स्वयं के अंदर उस ज्ञान की वृद्धि होती जाती है और उसी से ही भविष्य के अंदर भी बाबा कहते रत्नों की थाल भर भर के प्राप्त होती है। साथ ही साथ पढ़ाई से बाबा कहे तुम्हारे भंडारे भरपूर होते जाएंगे। 21 जन्म के लिए ये भंडारे ऐसे भरपूर होंगे, 21 जन्म के लिए खुशी की प्राप्ति होगी और कोई चीज नहीं जिसके लिए कहा जाए अप्राप्ति। अप्राप्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। तो बाबा कहे नॉलेज का दान ऐसे देते रहो जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। आपस में भी ज्ञान चर्चा करें, डिबेट न करें, वाद विवाद न करें। बाबा कहे प्रेम से रूरिहान करो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, प्राण दान देने वाला पाप है। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। आज की मुरली का प्रश्न है किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं। उत्तर, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है यह सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्म की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसे देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। ओम शांति। भगवान वाच शालिग्राम समझते हैं शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। बच्चे जानते हैं वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती, समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब भूले हुए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। तुमको पढ़ते पढ़ते ये बात सिद्ध करनी है। भारत के शास्त्रों की ही बात है और धर्म के शास्त्रों की नहीं। भूल ही भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवाय यह बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। बच्चे जानते हैं यह अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा। तो मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है।
सत्युग है सुधरी हुई नई दुनिया और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। यह भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारण कर समझाने लायक भी बनते हो। इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। बाप कहते हैं, जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती। तुम अन आर्य बन पड़े थे, आर्य माना सुधरे हुए, अन आर्य माना अन सुधरे हुए बन पड़े थे। अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। सो तो सतयुग में ही होंगे, वह सब सुधरे हुए थे, देवताएं सब सुधरे हुए थे। अब अनसुधरेले उनकी पूजा करते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हम उनको क्यों सुधरेले कहते हैं। है सब मनुष्य, जो सुधरेले आर्य थे वही अब अनसुधरेले बने हैं, आर्य और अनार्य। बाकी वह जो आर्य समाज है वह मठ पंथ है। यह सब झाड़ से क्लियर समझ सकते हैं। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इसका नाम कल्प वृक्ष है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु 5000 वर्ष और इसका नाम है कल्प वृक्ष। परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्य की बुद्धि में झाड़ नहीं आता है। तुमको झाड़ के रूप में समझाया है, वह कह देते कल्प लाखों वर्ष का है, बाप कहते 5000 वर्ष का है, और कोई कितनी आयु सुनाते, कोई कितनी सुनाते, पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। आपस में इतना शास्त्रवाद करते हैं। तुम्हारी तो ये रूढ़िहान है, तुम सेमिनार करते हो, इसको रूढ़िहान कहा जाता है। प्रश्न उत्तर समझने के लिए भी करते हैं। बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं उससे ही टॉपिक निकाल तुम सुनाते हो। वो लोग क्या सुनाते हैं यह भी तुम जाकर सुनो, फिर आकर सुनाना चाहिए कि इस प्रकार का वाद विवाद चलता है। शास्त्रार्थ जब करते हैं कोई तो कितना वाद विवाद चलता है। पहले तो ये समझाना है, कौन सी बात, गीता का भगवान कौन। भगवान बाप को भूलने कारण बिल्कुल चट खाते में आ गए हैं। तुम बच्चों का तो बाप से लव है, तुम बाबा को याद करते हो, बस बाबा ही प्राण दान देने वाला है। नॉलेज का दान ऐसे देते हैं जो क्या से क्या बन जाते हो। तो बाप पर लव रहना चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बात सुनाते हैं। हम श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, वह कुछ देता ही नहीं। श्री नारायण को याद करते हैं, याद करने से कुछ होता है क्या? हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए। देवताएं कितने सॉल्वेंट थे, अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई है। जिसका दाम नहीं उनका आज दाम हो गया। पहले के जमाने में जिसका दाम नहीं था उसका भी आज दाम हो गया। वहां अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं। सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूं, तुमको ऐसी नॉलेज देता हूं जिससे तुम्हारा भंडारा भर जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो, पढ़ाई का भंडार है ना। बाबा कहे, पढ़ाई का भंडार है ना, वह टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह समझने में टाइम लगता है, जल्दी कोई समझ ना सके,
कोटों में कोई निकलता है, आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए हैं। चढ़ाने वाला एक बाप है, देहत की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, कहते हैं भगवान वाच पढ़ाकर गए, भगवान वाच पढ़ाकर गए। फिर उनका कोई शास्त्र रहता नहीं, सतयुग में कोई शास्त्र है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाबा कहे ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। कितना बड़ा झाड़ है, भक्ति की अनेक टाल टालियां न हो तो झाड़ का नाम भी न रहे, वे तो झाड़ जैसा ही न रहे। यह सब धारणा करने की बातें हैं। तुम धारणा करते हो, पढ़ाने वाले तो पढ़ाकर गुम हो जाते हैं, पढ़ने वाले आकर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बातें हैं, एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है। स्टूडेंट भी तुम सब नंबरवार हो, कोई पास होते कोई फेल होते, यह है बेहद का बड़ा इम्तिहान। तुम जानते हो हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले ही ऊंच पद पाते हैं, नंबरवार सब जाएंगे, सारा क्लास ट्रांसफर होता है, नंबरवार जाकर बैठते हैं। ये ज्ञान भी आत्मा में है, अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। शरीर तो मिट्टी है, आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। 100% सतो प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन है, यह भी तुम समझते हो। पहले तो गरीबों को उठाना पड़े, वह पहले आएंगे। गुरुओं को भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे तब उन सबकी बुद्धि खुलेगी। बाबा कहे दुनिया में भी गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे तब उन सबकी बुद्धि खुलेगी, देखेंगे ये तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं, यहाँ के जो होंगे वह तो निकल आएंगे। बाप आकर नया झाड़ शुरू करते हैं, जो और धर्म में जाकर पड़े हैं वह सब लौटेंगे, फिर भी अपने भारत में ही आएंगे। भारतवासी ही थे ना, हमारी डाल के जो है वह सब आ जाएंगे। बाबा कहे हमारी डाल के जो भी है सब आ जाएंगे, आगे चलकर तुम सब समझते जाएंगे। अब बाहर से सबको धक्का मिलता जाता है, जहां जहां बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते हैं, समझते हैं ये बहुत धनवान हो गए हैं, यहां वाले गरीब हो गए हैं। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में जाना होता है, आखिर सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ही ले आते हैं, क्यों, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में ही नई दुनिया थी, इस समय इसको वॉइसलेस वर्ल्ड नहीं कह सकते, यह है विशस वर्ल्ड। इस समय यह है विशस वर्ल्ड, इसलिए बुलाते हैं हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। बल दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन तो है नहीं। पावन आत्माएं मूल वतन में है, वह है ब्रह्म महतत्व। सब पावन बनकर वहां जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। आदि सनातन देवी देवता धर्म का यह फाउंडेशन है। फिर तीन ट्यूब्स निकलती है, यह तो देवता धर्म है, यह कोई ट्यूब नहीं है। पहले यह फाउंडेशन, फिर तीन ट्यूब्स निकलती है, मुख्य है चार धर्म। सबसे अच्छा धर्म है यह ब्राह्मण धर्म, इनकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहां बनते हो, बाप तुमको यहां पढ़ाते हैं, तो तुम कितने बड़े हो। देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो, वंडर है ना।
हम जो नॉलेज लेते हैं वह हमारे साथ चलती है, फिर वहां नॉलेज को ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं, ICS वाले क्या पढ़ते हैं। भारत के अंदर सबसे ऊंची पढ़ाई होती थी एक जमाने में ICS, तो बाबा कहे ICS वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम बहुत नई पॉइंट सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे, पार्ट ही आगे सुनने का है। तो जैसे जैसे संपूर्णता की ओर आगे जाएंगे, बाबा भी ऐसी ऐसी पॉइंट्स संपूर्णता की बताएंगे, सुनाएंगे। बुद्धि में रहता है, नॉलेज का पार्ट जब पूरा होना होगा तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे, फिर हमारा पाठ स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पाठ पूरा हो जाएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा चाहिए, बाबा कहे बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी धारणा चाहिए। सिमरण करते रहो, बाप को याद करते रहो, याद नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा, सन्यासी भी इस अवस्था का अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उन्हों का रास्ता अलग है, इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। फॉलोअर समझते हैं वह ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापस आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं वापस कोई भी जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे तब फिर घर जाएंगे, तब सब साथ मिलकर घर जाएंगे। वह है हद का विनाशी नाटक और यह है बेहद का अविनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह समझा सकते हो यह ड्रामा जो मिसल चलता है, वह तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्म बनाते हैं, उनमें थोड़ी अच्छी बातें होती है, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते हैं। बाबा को भी पता है कि दुनिया में भी ऐसी धार्मिक फिल्में बनाते हैं जैसे बाबा के विष्णु अवतरण दिखाते हैं, ऐसे नहीं ऊपर से कोई उतर आता है, लक्ष्मी नारायण पाठ बजाने आते हैं, बाकी ऊपर से कोई नहीं आते हैं। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं तब ये बातें तुम सब समझ सकते हो। पहले तुम भी कैसे थे, बाबा कहे पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, जब बाप ने समझाया है तब तुम्हारे कपाट खुल गए हैं। इतना समय जो कुछ सुना वो कोई काम का नहीं था और ही गिरते गए, इसलिए तुम सबसे लिखवाते हो, जब लिख कर देवे तब समझा जाए। कुछ बुद्धि में बैठा है, बाहर से आते हैं फॉर्म भराते हैं तो मालूम पड़े हमारे कुल का है। मूल बात है बाप को जानना, समझे कि बरोबर कल्प कल्प बाप हमको पढ़ाते हैं। यह पूछना है कब से पवित्र बने हो, जल्दी नहीं सुधरते, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है। बाबा जानते हैं बच्चों को माया घड़ी घड़ी पकड़ लेती है, देखती है कच्चा है तो हप कर लेती है। कई महारथियों को भी माया हप कर गई, शास्त्रों में भी मिसाल अभी के हैं, मंदिर में भी घोड़े सवार महारथी प्यादे आदि दिखाते हैं। तिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो वहां मंदिर के सामने हाथी पर बैठे हुए भी दिखाए हैं, तो घोड़े पर बैठे हुए भी दिखाए हैं, तो पैदल चलने वाले भी दिखाए हैं। इसलिए बाबा उस बात को स्मृति में लाते हुए कहते हैं, मंदिर में भी घोड़े सवार महारथी प्यादे आदि दिखाते हैं। तुम अब अपना यादगार देखते हो, जब तुम बन जाएंगे तो भक्ति उड़ जाएगी, जब संपूर्ण बन जाएंगे तो बाबा कहे फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। तुम किसको माथा नहीं टेक सकते हो, तुम पूछेंगे
ये कहां गए, इनकी बायोग्राफी बताओ, बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है, तब तुम पूछते हो, तो नशा रहना चाहिए। पास विथ ऑनर 8 होते हैं, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, अपने को देखना है, हमारी आत्मा पवित्र बनी है, बैटरी भरेगी तब जब योग होगा, बाप से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे, तमो प्रधान आत्मा वापस नहीं जा सकती है। यह भी ड्रामा है, वहां दुख देने वाली कोई चीज नहीं है। गायें भी सुंदर है, सतयुग के अंदर गायें भी बहुत सुंदर है, श्री कृष्ण के साथ गायें कितनी सुंदर दिखाते हैं, बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर, गायें अच्छा दूध देती है, तब तो दूध की नदियां बहती है, अब यहां नहीं है, अभी तुम नॉलेजफुल बन गए हो, इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो, इनका सारा किचड़ा स्वाहा होना है, फिर सारा किचड़ा निकल सब स्वच्छ बन जाएंगे, सारा किचड़ा निकल जाएगा तो बाबा कहे सब स्वच्छ बन जाएंगे। हम अपनी राजधानी में जाते हैं, उनका नाम है स्वर्ग, सुनते ही खुशी होती है, स्वर्ग का नाम सुनते ही बाबा कहे कितनी खुशी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है, अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। दूसरी पॉइंट, आपस में रूरिहान करना है, वाद विवाद नहीं, आपस में रूरिहान करने हैं, वाद विवाद नहीं, नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव, स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव, अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ, जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उनके नशे में रहो, स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होगी, तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ, मालिक बन, योगयुक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो, तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। आज का स्लोगन है, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष स्मृति इमर्ज करो, कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष स्मृति इमर्ज करो, कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति।